आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। आपको पता होगा, एक हफ्ते पहले मैंने घोषणा की थी और वो घोषणा तब की थी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। अभी जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो आप उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी, जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन वैक्शन लेने का मूड में है तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई, वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं,
उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है।